हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास एलेवन बिजनेस स्टडीज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कराया था सोल प्रोप्राइटरशिप एंड उसके फीचर्स एंड इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म मैं आपको उसके एडवांटेजेस कराने वाली हूँ आपको अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के फ़ीचर्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं बट मैं ऊपर से आपको फिर भी हल्का फुल्का बता देती हूँ सोल प्रोपाइटरशिप फॉर्म क्या होती है तो कोई छोटा सा बिजनेस जिसका ऑनर मैनेजर और सब कुछ कंट्रोल करने वाला एक सिंगल इंडिविजुअल होता है सब एक सिंगल इंडिविजुअल ही सब कुछ कंट्रोल मैनेज करता है तो वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कहलाती है सोल मीन्स सिंगल प्रोप्राइटर मीन्स ओनर तो मैं अब इसके आपको एडवांटेजेस कराने वाली हूँ इस फॉर्म के फर्स्ट पॉइंट इज इजी टू फॉर्म एंड डिजोल्व अब सोल प्रपरेटरशिप जो है वो उसको फॉर्म करना उसको स्टार्ट करना बहुत ज्यादा ईजी होता है उसको डिजोल्व करना वाइंड अप करना या बंद करना बहुत ज्यादा ईजी ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा ईजी होती है कैन बी स्टार्ट ईजिली विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी जब भी एक सोल प्रोपरेटरशिप फॉर्म को आप स्टार्ट करते हैं तो बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के लिए आप इजिली उसे स्टार्ट कर सकते हैं कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए उसके लिए कैन बी क्लोज एनी टाइम वेन एवर सोल प्रोपराइटर डिजायर जब भी सोल प्रोपराइटर या उसका ऑनर जो है उसकी इच्छा होती है कि उसे आगे बिजनेस रन नहीं करना है तो वो उसे किसी भी टाइम क्लोज कर सकता है कोई लीगल फॉर्मेलिटी उसके लिए कुछ ऐसी कंडीशन नहीं है कि उसके कुछ वो कंडीशन पूरे करने पड़ेंगे तब वो उसे स्टार्ट या क्लोज करेगा ठीक है एक छोटा सा बिजनेस है जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप खुद एक सोल प्रोपराइटर हैं एक सिंगल ओनर है किसी फॉर्म के छोटी सी के तो आप जब मर्जी वो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जब मर्जी बंद कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट इज डायरेक्ट इंसेंटिव डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स जो एक सोल प्रोपराइटर है वो जितने ज्यादा एफर्ट्स लगाता जाएगा उसको उतने ही रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे मतलब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है मतलब एफर्ट्स अपना लगाते जाओ हार्डवर्क करते जाओ ठीक है जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करोगे जितना काम करोगे बिजनेस को एक्सपेंड करोगे आपको उतना ही प्रॉफिट होगा उतना प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा आपकी इनकम इंक्रीज होगी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सीबिलिटी अब ये पॉइंट आपको क्या कह रहा है प्रोपराइटर हिमसेल्फ टेक ऑल डिसीजन अभी अगर आप जो हैं किसी फर्म के प्रोपराइटर हैं या ऑनर हैं तो आप सारे डिसीजन खुद लेंगे डज नॉट कंसल्ट एनी आपकी फर्म है सारे डिसीजन आप लेंगे आप किसी से कंसल्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि आपको किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप ही ऑनर हैं आप ही सब कुछ हैं इससे क्या होगा नो वेस्टेज ऑफ टाइम जब आप खुद ही से कंसल्ट कर रहे हैं सब कुछ खुद ही कर रहे हैं तो इससे टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा टाइम बच जाएगा आपका और जब आप खुद से ही कर, सब कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो क्विक डिसीजन लेंगे ठीक है जब आपको किसी को कंसल्ट नहीं करना है कोई मीटिंग नहीं बिठानी है तो क्विकली आप डिसीजन ले लेंगे जो आपको प्रॉपर डिसीजन लगेगा और फटाफट -फट उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे जो भी आप एक्शन डिसीजन लेंगे फिर इमीडिएट एक्शन ठीक है जल्दी से आप एक्शन भी ले लेंगे मतलब जो आपने डिसीजन लिया उसको अप्लाई कर देंगे तो जब ये खुद ही डिसीजन लेना किसी से कंसल्ट नहीं करना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा फटाफट डिसीजन ले लिए जाएंगे एक्शंस भी फटाफट ले लिए जाएंगे इन सब से क्या होगा आपका बिजनेस जो है फ्लेक्सिबल हो जाएगा बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी अकॉर्डिंग टू तो चेंजिंग एन्वायरमेंट और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एनवायरमेंट में आपके चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जल्दी से अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे ठीक है क्योंकि आप खुद ही जब डिसीजन ले रहे हैं तो आप खुद के डिसीजन तो ईजिली आप एक्सेप्ट कर ही सकते हैं खुद ही एक्सेप्ट करना है आपको खुद ही अप्लाई करना है ठीक है रजिस्ट करने वाला कोई नहीं है आपके डिसीजन को नकारने वाला या उसको एक्सेप्ट ना करने वाला कोई नहीं है सब कुछ करता धरता आप ही हैं तो आपका इससे क्या होगा बिजनेस बहुत ज्यादा फ्लेक्सीबल हो जाएगा टच पर्सनल टच इसमें ये पॉइंट क्या कह रहा है ऑल वर्क डन बाय प्रोप्राइटर हिमसेल्फ अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी एक छोटी सी फॉर्म है आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो सारे डिसीजंस जब आप ले रहे थे इसमें तो क्या होगा सारा वर्क भी आप ही करेंगे क्योंकि आप ही हैं जो करता करता चाहे मैनेजर चाहे कंट्रोलर चाहे ओनर सब कुछ आप ही हैं सारा काम आप खुद करेंगे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कस्टमर से बना के रखेंगे एम्प्लॉज से या सप्लायर से जहां से भी है सब चीजों से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बना के रखेंगे क्योंकि सिंगल ऑनर हैं आप सारा काम आप ही को देखने हैं तो इससे क्या होगा बिजनेस से आपका पर्सनल टच रहेगा जो आपका बिजनेस है उससे आप पर्सनली टच रहेंगे आपको हर चीज की नॉलेज होगी आपके बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है फिफ्थ पॉइंट सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट अब जब बिजनेस आपका है ऑनर आपका है डिसीजन आपने लेने हैं सब कुछ आपने ही करना है तो जितना जो प्रॉफिट होगा उसका बेनिफिशियरी कौन होगा आप होंगे ऑल द प्रॉफिट बिलोंग्स टू प्रोपराइटर हिमसेल्फ अगर आपकी ही फॉर्म है ऑनर भी आप हैं, सब कुछ कैपिटल भी आप सप्लाई कर रहे हैं तो सबका सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा आपको ही मिलेगा ठीक है जब सारा काम ही आप कर रहे हैं तो सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा आपको मिलेगा क्योंकि आप ही सिंगल ऑनर हैं, राइट नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्रेसी अब उसमें सीक्रेसी का क्या है नो लीगल कंपल्शन टू पब्लिश अकाउंट्स जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है छोटी सी एक फर्म होती है उसमें ऐसा लीगली आप बाउंड नहीं होते कि आपको अपने अकाउंट्स जो है पब्लिश करने पड़ेंगे बाहर किसी को दिखाने पड़ेंगे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए ऑल द डिसीजन टेकन बाई हिमसेल्फ सारा डिसीजन एक सोल प्रोप्राइटर लेगा यानी आप खुद लेंगे इट बिकम्स इजी टू मेंटेन सीक्रेसी तो इससे क्या होगा सीक्रेसी मेंटेन कर पाएंगे आप ठीक है क्योंकि आपको किसी से कुछ शेयर नहीं करना है कोई इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर रहे हैं किसी से डिसीजन ले रहे हैं वो भी खुद ही ले रहे हैं तो इससे क्या होगा सीक्रेसी बनी रहेगी बिजनेस में सब कुछ जो भी होगा आप ही नॉलेज में होगा इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन नहीं होगा जिसको आपके बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज होगी या कुछ इंफॉर्मेशन होगी सेवेंथ पॉइंट सेवेंथ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट कंट्रोल इंडिपेंडेंट कंट्रोल में क्या है प्रोपराइटर अब जो प्रोपराइटर है ऑनर है सारा कंट्रोल किसके हाथ में होगा बिजनेस का प्रोपराइटर के हाथ में आपके हाथ में होगा ठीक है ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज हुई कि सारा कंट्रोल ही आपके हाथ में है जब आपने सारा काम खुद किया है किसी से कैपिटल नहीं ली है सारा कैपिटल मनी जितना भी इन्वेस्ट किया है आपने ही किया है सारा पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सारा काम आप कर रहे हैं तो पूरे बिजनेस का कंट्रोल किसके हाथ में होगा आप ही के हाथ में होगा हैज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन जब आप ही ऑनर है कोई और इन्वॉल्व ही नहीं है तो जितने भी एक्शन यानी जितने भी डिसीजन लेने हैं उसकी फ्रीडम होगी आपको क्योंकि बिजनेस किसका है आपका नेक्स्ट पॉइंट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन ये जो छोटे ये जो बिजनेस होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप ये स्मॉल स्केल ऑपरेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं ठीक है ऐसे बिजनेसेस विच रिक्वायर स्मॉल कैपिटल जिसमें बहुत कम कैपिटल चाहिए होती है या फिर पर्सनल अटेंशन चाहिए होता है उन फर्म्स के लिए ये बहुत अच्छी होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि सपोज आपका बिजनेस है जिसमें सब कुछ आप ही कंट्रोल कर रही हैं ठीक है सारा कंट्रोल आपके हाथ में सारे डिसीजन आपको लेने हैं तो अगर बहुत बड़ी सपोज फर्म हो जाती है जिसका टर्न समझ लो थ्री थाउजेंड करोड़ पर ईयर ऐसे कुछ आ रहा है तो उसको आप अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे ठीक है और ना ही आप इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे तो स्मॉल स्केल ऑपरेशन होगा अगर ठीक है तो आप इजीली सब कुछ खुद से ही मैनेज कर लेंगे आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स कराए ये सारे एडवांटेजेस से सॉल्व प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के